में आए हैं, अधिकतर हर एक प्रोग्रामों में आते हैं आज गाजियाबाद से चल के, आप यहाँ आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मैं फर्स्ट बार इस प्रोग्राम में आई हूँ। हाँ, मैंने इसलिए बोला है जी। और बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार लगा कि जो ना बौद्धों का मिलन भी होता है, क्योंकि सर अगर थोड़ा सा विस्तार से अगर बताने का मौका देंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये बताइए, आज हम जो ना एक सर नेम को लेके बहुत आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे जाटव लगाते हैं, चमार लगाते हैं, वर्मा लगाते हैं और बहुत सारे टाइटल हम अपने नाम के पीछे लगाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप देखते हो कि अगर किसी भी एससी समाज में, एसटी समाज में अगर किसी लड़की का बलात्कार होता है तो वहाँ क्या होता है कि एक दलित समाज की लड़की का बलात्कार हुआ जी। ठीक, कहीं किसी का मर्डर होता है तो उसमें यही होता है जो फेमस ना हो रहा है स्तर पर उसको संबोधित किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक जाटव या एक दलित समाज का लड़के का मर्डर हुआ तो उससे क्या होता है कि हम एक हिंदू रीति रिवाज में ही आके रह जाते हैं, हिंदू धर्म, तो वहाँ पे हमारी कोई पहचान नहीं है। अगर हम बौद्ध बनते हैं तो हमारे देश में, भारत में क्या चीज होगी कि एक बौद्ध लड़की के साथ बलात्कार हुआ या एक बौद्ध लड़के का मर्डर हुआ या एक बौद्ध परिवार के साथ आगजनी हुई, घर लूटा गया, तो उसका मैसेज पूरे विश्व में जाता जी। उसका जैसे मैसेज पूरे विश्व में जाएगा तो उसकी पहचान ये होगी कि वो जो हमारे जो 15 देश या जितने भी बौद्धिस्ट देश हैं वो हमारे भारत की सरकार से ये पूछते हैं कि आप हमारे बौद्धों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं जी। तो ये एक टाइटल होना चाहिए अधिकतर सबके नाम के पीछे। हम बौद्ध बन जाते हैं लेकिन हम बौद्ध दिखते नहीं हैं। आप सही कह रही हैं कि जब प्रधानमंत्री जी कहीं बाहर जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी स्टेचू वहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भेंट करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं बौद्ध देश से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन वो हमारे भारत में हिंदू, वो कहते हैं कि हम इसे हिंदू देश बना के छोड़ेंगे। तो ये जो आज हमारे देश में जो अत्याचार हो रहे हैं ना, दो ऐसी चीज हैं, एक तो मॉमडन और एक ऐसी जिनको टारगेट किया जाता है। और टारगेट हम जब तक होते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को हिंदू बनाए रखेंगे, जब तक हम अपने आप के नाम के पीछे बौद्ध नहीं बन जाते, बौद्ध संस्कृति को हम ग्रहण नहीं कर लेते, जब तक हम पूरे बौद्ध एक स्तर पर नहीं आ जाते, हम टारगेट होते रहेंगे क्योंकि हम हिंदू बने रहेंगे। तो आपका मानना है कि सभी जो हमारे यहाँ के जो बहुजन के लोग हैं उन्हें एक टाइटल बौद्ध रख लें या अम्बेडकर रख लें? मेरा तो मानना यह है, जैसे बाबा साहब ने हिंदू धर्म को ठोकर मारी थी तो वो इसलिए ठोकर मारी थी क्योंकि उन्होंने देखा था कि हमारे हिंदू धर्म में रहते हुए हमारा कहीं भी सम्मान नहीं होगा। जब तक आप हिंदू धर्म में रहोगे, जब तक आपका शोषण होता रहेगा, जरूर शोषण होता रहेगा।